जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान का दोगला चरित्र सामने आ रहा है। रविवार सुबह तक जहां पाकिस्तान रहम की भीख मांग रहा था, वहीं रात आते आते उसने अपना दूसरा चेहरा दुनिया के सामने दिखा दिया। रविवार रात से ही अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन कर मोर्टार दागे जा रहे हैं। यहाँ एक थाने पर भी मोर्टार गिरे हैं, जिसमें एसपी समेत तमाम पुलिसकर्मी बाल बाल बचे हैं, जबकि एक पुलिसकर्मी को चोट आई है। साथ ही थाने के कई वाहनों को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान की ओर से बॉर्डर पर रनिया सेक्टर में गोलीबारी अभी भी जारी है। गोलीबारी को देखते हुए बीएसएफ और पुलिस ने गांव वालों से अपने घर से बाहर न निकलने को कहा है। गोलीबारी के कारण ही सोमवार को अरनिया के आसपास के 5 किमी क्षेत्र के सभी स्कूलों को बंद किया गया है। अरनिया क्षेत्र के त्रेवा गांव को भी निशाना बनाया गया है। सीमा पार से इस गांव में भी मोर्टार दागे गए हैं। इलाके के देवीगढ़ गांव में फायरिंग की जा रही है। 2 जख्मी इस गोलाबारी में पिंडी चारक की एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही गांव के मोहिंदर कुमार भी जख्मी हो गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से 80 मिलीमीटर और 120 मिलीमीटर के मोर्टार आगे जा रहे हैं और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। देर रात से ही जारी है गोलीबारी। आपको बता दें कि रविवार को दिन में पाकिस्तान ने पहले रहम की भीख मांगी और बीएसएफ से सीमा पर फायरिंग बंद करने की गुहार लगाई और फिर रात करीब 10:10 बजे गोलीबारी शुरू कर दी। वह रमजान के महीने में भी सीमा पर सीज फायर करने से बाज नहीं आ रहा है। बीएसएफ ने बताया कि पाकिस्तानी रेंजर्स ने जम्मू के सांबा सेक्टर के बाबा जमलियाल और नारायणपुरा में इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीज फायर तोड़ा। पाकिस्तान ने करीब 10:10 बजे ऑटोमेटिक हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी। फिलहाल पाकिस्तान की ओर से गोले भी दागे जा रहे हैं। भारत के कड़े रुख से पछतुआ पाकिस्तान। इससे पहले रविवार को पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ से फायरिंग रोकने की अपील की थी। उसकी यह अपील उस समय आई जब बीएसएफ की जवाबी कार्यवाही में पाकिस्तान के सियालकोट इलाके में कई लोग मारे गए थे। पिछले 3 दिनों से जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग हो रही थी। पाकिस्तानी रेंजर्स रिहायशी इलाकों में भी मोर्टार दाग रहे थे, जिसके बाद बीएसएफ ने जवाबी कार्यवाही में पाकिस्तान के कई बंकरों को तबाह कर दिए। भारतीय जवानों के मुंह तोड़ जवाब से पाकिस्तान पस्त पड़ गया था और रविवार को सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा था। पाकिस्तानी रेंजर्स ने जम्मू में बीएसएफ के पास फोन किया था और सीज फायर की गुहार लगाई थी।